हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ओनली एक क्लिक में फोटो कट कैसे करें। तो आज इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि ओनली एक क्लिक में फोटो कट कैसे किया जाता है। तो इससे पहले बताते हैं, आप लोगों को एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है पिकू ऐप। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद कैसे क्या करना है, तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस ऐप का आइकन, यहाँ पर देखिए पी बना हुआ है ग्रीन कलर का, इस तरह का दिखेगा। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। इस ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे नीचे में आपको मिलता है प्लस का आइकन, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है तीन ऑप्शन, एडिट और सबसे ऊपर में कटआउट, और उसके बगल मिलता है कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कटआउट पर क्लिक करना है, जो बीच में है सबसे ऊपर में, उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आपके गैलरी का जितना भी फोटो रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो आप जिस फोटो को कट करना चाहते हैं और वो फोटो चूज करेंगे जिस फोटो को आप कट करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं कोई एक फ़ोटो, तो चलिए ले लेते हैं इसी को, इस फोटो को हम ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए 2 सेकंड के अंदर ओनली एक क्लिक में फ़ोटो मेरा कट गया है, बैकग्राउंड यहाँ पर देखिए रिमूव हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको राइट का एक ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे हर प्रकार के। यहाँ पर देखिए हॉट न्यू फ्रेम सेलेक्ट बाय ये ट्रैवल, मतलब आपको जिस प्रकार का चाहिए बैकग्राउंड यहाँ पर आपको अवेलेबल है, यहाँ से आप ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको राइट का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद मान लीजिए इस हमने इस बैकग्राउंड को ले लिया है फ़ोटो को, और यहाँ पर अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर लेंगे। आपको छोटा रखना है, बड़ा रखना है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फ़ोटो को कैसा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये बैकग्राउंड नहीं पसंद है और आप अपने गैलरी में कोई फ़ोटो रखे हैं उसको लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है दूसरे नंबर बैकग्राउंड, उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मिलता है सबसे तीसरे नंबर पर गैलरी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो गैलरी पर क्लिक करेंगे, और गैलरी पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके गैलरी का पूरा ऑटोमेटिक फ़ोटोज़ आ जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने गैलरी से कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं अपने बैकग्राउंड में लगाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं कोई अपने गैलरी से एक फ़ोटो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए मेरा फ़ोटो रहा, इसको ले लेते हैं। अब ये देखिए मेरे बैकग्राउंड में मेरा फ़ोटो है और फ्रंट में मेरा फ़ोटो है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से ये ले सकते हैं, या फिर अगर और कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम देखा दिखा, चलिए ये लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा फ़ोटो है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए राइट का एक मार्क दिया हुआ, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे, ये देखिए जुड़वा हो गया, ठीक है। ये मेरा ही फ़ोटो है, यहाँ देखिए दो दो फोटो हो गया। तो आप गैलरी से भी फ़ोटो ले सकते हैं और यहाँ से भी फ़ोटो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर फ़िल्टर का भी ऑप्शन मिलता है, तो फ़िल्टर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम कर दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा और हमारा बॉडी वाइट हो गया, ये देखिए कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से और कम बेसी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको कट कर देते हैं, और यहाँ पर आपको मिलता है एडजस्ट लाइट का ऑप्शन, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपके फ़ोटो में अगर लाइट कम है तो यहाँ ज़्यादा दे सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं। और यहाँ से हम कट कर देते हैं, हालांकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको होगी तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो बस इतना ही था। और उसके बाद इस फ़ोटो को हम सबसे ऊपर में यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन मिल रहा है, तो सेव करेंगे, तो वहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मात्र 3-4 सेकंड के अंदर आपका फ़ोटो सेव हो गया। तो अब हम जाएंगे अपने गैलरी में और देखेंगे कि फ़ोटो सेव हुआ है या नहीं। तो इसको हम कट कर देते हैं, और कट करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा रहा गैलरी, इसको ओपन करेंगे। और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर आ चुका है ये मेरा फ़ोटो। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ओनली एक क्लिक में फ़ोटो कट कैसे किया जाता है। तो आप कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आप तक हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।